तो आपके 3 साल हो गए शादी को, तो आपके कोई संतान नहीं थी? नहीं जी। तो आपको डॉक्टरों को दिखाया था, तो डॉक्टर क्या बोलते थे? कहते बच्चा नहीं हो सकता। बच्चा नहीं हो सकता जी। तांत्रिकों के पास गए, तांत्रिक क्या बोलते थे? कहते थे इसके पास बच्चा नहीं हो सकता, बच्चा नहीं हो सकता। फिर आपके ससुराल वाले ने आपको ताने मारने लगे कि इसका बच्चा नहीं होगा। आपके पति को कहने लगे हम इसको तलाक दे देंगे क्योंकि संतान नहीं हो रही है, हमें संतान चाहिए। जिसके कारण आपके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा और आपको और आपके पति को घर से उन्होंने बाहर कर दिया भी आप यहाँ से चले जाओ, आप वहाँ से घर से चले आए। तो आपके मम्मी पापा, ये आपके पापा जी हैं, ये परमेश्वर के भवन में आते थे, तो ये आपको परमेश्वर की हजूरी में लेके आए और परमेश्वर के अभिषेक की दास ने आपके लिए प्रार्थना की और उसके बाद अब 8 मंथ हो गए, आप प्रेग्नेंट हैं। देखिए, जो परिवार बोल रहा था संतान नहीं हो रही थी, तो इसके सास ससुर ने बोला इसको तलाक दे दो, हम और कोई शादी कर लेंगे, 3 साल हो गए हैं बच्चा नहीं हो रहा। डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टर बोला था आपका बच्चा नहीं होगा। तांत्रिकों के पास गए, बहुत सारा पैसा डॉक्टरों को दिया, तांत्रिकों को दिया, लेकिन कोई आराम नहीं होया। लड़ाई इनके मम्मी पापा ने, इनके सास ससुर ने इनको घर से बेदखल कर दिया, घर से निकाल दिया कि आपके संतान नहीं हो रही है, आप यहां से चली जाओ, हमें पोते या पोती की आशीष चाहिए। इनको घर भेज दिया, ये फिर अपने मायके में आए और ये इनके पापा जी हैं, ये परमेश्वर की हजूरी में आते हैं। इनको विश्वास था, इनका बिलीव था, ये इनको परमेश्वर की हजूरी में लेके आए और आज 8 मंथ हो गए हैं, ये बहन प्रेग्नेंट है। सब जन खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो हमारा प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। जो लोग कह रहे थे, इनके परिवार कह रहे थे इसको तलाक दे दे, लेकिन वही परमेश्वर ने आज इनका घर बसा दिया और आज इन्हें संतान की आशीष आगे देने जा रही है। 8 मंथ हो गए हैं, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया, क्योंकि जो परमेश्वर की हजूरी में आ जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। आपका विश्वास होना चाहिए, जैसे आपका विश्वास होगा तो वैसे ही आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया।